आमतौर पर आपने कई तरह के वायरस के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे वायरस के बारे में सुना है जिसकी वजह से आपका नर्वस सिस्टम तक काम करना बंद कर दे, या फिर इस वायरस के संपर्क में आने से संक्रमित व्यक्ति की कुछ ही दिनों में मौत हो जाए। दरअसल ऐसा एक वायरस है जो कि बंदरों से फैलता है और इस खतरनाक वायरस का नाम है बी वायरस। आज के इस कार्यक्रम में हम इसी वायरस के बारे में बात करेंगे। दरअसल ये खतरनाक बी वायरस बंदरों के काटने से होता है। हाल ही में इससे जुड़ा एक मामला हांगकांग में देखने को मिला है, जिसमें पार्क में घूमने गए व्यक्ति को बंदर ने काट लिया था, जिसकी वजह से वह व्यक्ति इस खतरनाक वायरस से संक्रमित हो गया। हांगकांग में इस वायरस से इंसानों में संक्रमण का ये पहला केस है, जो कि एक बहुत ही गंभीर जानलेवा वायरस है। फिलहाल जिस व्यक्ति को बंदर ने काटा था उसकी स्थिति गंभीर होने पर उसका आईसीयू में इलाज जारी है। ये गंभीर वायरस मकाक बंदर के काटने से फैलता है। सेंटर फॉर हेल्थ प्रोटेक्शन के मुताबिक ये वायरस हांगकांग के अलग अलग इलाकों में रहने वाले बंदरों के थूक यानी कि सलाइवा, यूरिन और मल में पाया जाता है। इस बी वायरस को हर्पिस वायरस सिमिये भी कहते हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक वायरस है जिसकी चपेट में आने पर इंसान के लिए ये जानलेवा साबित हो जाता है। दरअसल बंदरों के काटने या नोचने पर उनके शरीर का तरल पदार्थ जैसे कि थूक या टूटे हुए संक्रमित टिश्यू या स्किन इंसान को संक्रमित कर देते हैं। वही बात अगर बी वायरस के शुरुआती लक्षणों की करें तो इसमें बुखार आना, सर्दी लगना, मांसपेशियों में दर्द होना, थकान और सिरदर्द और गंभीर संक्रमण होने पर सांस लेने में दिक्कत, बेचैनी, उल्टी आना, पेट में दर्द और हिचकियां शामिल हैं। ये वायरस पीड़ित व्यक्ति के दिमाग में भी प्रवेश कर सकता है, साथ ही इंसान के उस अंग या फिर हिस्से में दाग बन सकता है जहां पर बंदर ने काटा या फिर नोचा हो, वहां लगातार खुजली होती रहती है। वहीं बाद के स्टेज में संक्रमण की वजह से दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड में सूजन आ जाती है। इससे भयानक दर्द और शरीर सुन्न होने लगता है। इस वायरस की वजह से मांसपेशियों का दिमाग के साथ सामंजस्य भी खत्म हो जाता है, जिससे नर्वस सिस्टम फेल होने लगता है और पीड़ित की मृत्यु होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इस वायरस के संक्रमण को ठीक करने के उपायों की बात करें तो बंदर के काटने पर सबसे पहले शरीर पर आए घाव या फिर उस क्षेत्र को अच्छी तरह से धोएं और साबुन, डिटर्जेंट या फिर आयोडीन से 15 मिनट तक रगड़ें। इसके बाद घाव को 15 से 20 मिनट तक पानी से धोएं और इलाज के लिए तुरंत किसी डॉक्टर से संपर्क करें। वहीं अगर मकाक बंदरों की बात करें तो ये बंदर ब्राजील, भारत और इंडोनेशिया सहित घनी आबादी वाले क्षेत्रों की एक मुख्य समस्या है। यहाँ बंदरों द्वारा लोगों को काटे जाने की संभावना इतनी अधिक है कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अधिकांश स्तनधारियों की तरह बंदर रेबीज का वाहक होता है और उसे प्रसारित कर सकता है। यदि बंदर के काटने के बाद इसका सही इलाज ना किया जाए तो मनुष्य के लिए 100% घातक साबित हो सकता है। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।